उद्योग नगरी पीतमपुर में मजदूरों का शोषण लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला फिर ज्वलंत रूप ले रहा है, जिसका मुख्य किरदार सेक्टर नंबर 3 स्टीपिन कंपनी निभा। दरअसल मजदूरों के अनुसार 2018 में मजदूरों ने अपनी कंपनी से रिजाइन दिया था। नियमों की माने तो रिजाइन के तत्पश्चात कंपनी को मजदूरों का हिसाब करना चाहिए, लेकिन यहां कंपनी उल्टी पड़ गई और 2018 से जिन मजदूरों के रिजाइन किया गया था उनको आज भी पेमेंट नहीं दिया गया है। इन 3 सालों के दौरान कंपनी हमेशा से ही बजट का हवाला देती रही और बात आगे टालती रही। बीच में समझौता हुआ जिसमें कंपनी को 4 आसान किस्तों में पूरे 30 मजदूरों को पैसा देना था, लेकिन कंपनी यह किस्त देने में हाथ पीछे करती दिख रही है, क्योंकि 2020 में आखिरी किस्त मजदूरों को मिलनी थी, लेकिन अभी तक यह आखिरी किस्त उन्हें नहीं मिल पाई है। और इसी के लिए मजदूर पहले की तरह फिर से कंपनी में प्रदर्शन करने गए, उन्हें गेट पर रोका गया। बेकाबू मजदूर कंपनी गेट को कूदकर आगे बढ़े। प्रबंधन ने दबाव बनाने के लिए पुलिस को भी बुला लिया था। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हम आपका पैसा दे देंगे। मैंने 2018 में रिजाइन दिया था, 2020 आ गया, अभी तक इन्होंने हमारा जो बकाया पैसा वो नहीं दिया। करीब कितना पेमेंट आपको बाकी है? मेरा तकरीबन 94,000 के करीब। कितने लोग हैं टोटल? ये इसमें हम लोग टोटल 30 लोग हैं, 30 लोगों का फुल एंड फाइनल बाकी है। कितना बाकी है? तकरीबन 30 लोगों का मिलाएंगे तो 20 लाख के करीब है। अभी कोई कंपनी तरफ से पेमेंट नहीं? हाँ, आज क्या हुआ कि आज हम मैनेजमेंट से जब बात करने गए तो शुरुआत में तो उन्होंने एग्री कर लिया कि हम 10 जुलाई तक आपका सब पैसा दे देंगे। जिन लोगों को इन्होंने चेक इशू किए थे, चेक बाउंस हो गए थे उसके, और बाकी पैसे के लिए इन्होंने बोला कि अब हम नहीं देंगे, तुमसे वो जो कर लेना। ये जो मिस्टर नागर है, यहाँ पे दीपक नागर जी के शब्द है कि तुमसे वो जो कर लेना, अब हमको नहीं देना पैसा। ये आप रिजाइन बात करें तो रिजाइन करने का क्या कारण है? रिजाइन करने का कारण ये था कि भाई मैन पावर बोले कम करना है, हमको स्टाफ रिप्लेस करना है, आप अपने हिसाब से देख लो, छोड़ दो, हम आपको आपका पैसा तुरंत फुल एंड फाइनल दे देंगे। तो ये हमने सोचा कि ठीक है भाई, मैनेजमेंट को दिक्कत आ रही तो हम अपना रिजाइन दे दिया। और उसके बाद इन्होंने तो बिल्कुल जवाब देने ही बंद कर दिया, पैसा देने से इनकार कर दिया। आप लोग कितने बार आ चुके हैं? यहाँ हम कम से कम 15 से 20 बार आ चुके हैं। और ये सब अभी 2019 से तो बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। पहले जब इनसे बात करते थे ठीक है सब बोलते थे कि हाँ ठीक है दे देंगे दे देंगे, मगर इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जब यहाँ आते हैं भीड़ करते हैं, और आज तो इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। हम सुबह 10 बजे से आके खड़े थे, इन लोगों ने न पानी का, हम भर धूप में खड़े रहे, अंदर आने से भी मना कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस बुलाई, लेबर अफसर भी आए, यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर भी आए, उनसे भी बातचीत करी। उन लोगों के सामने, पुलिस और मोरे जी के सामने, इन लोगों ने, जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर है उनके सामने, इन्होंने एग्री किया कि हम 10 जुलाई तक पैसा इनका दे देंगे। मगर अभी उन्होंने बोल दिया कि अब हमको नहीं देना, तुमसे वो जो कर। ये लेबर इंस्पेक्टर के जाने की बात हो रही है पहले। हाँ, ये लेबर इंस्पेक्टर के साथ भी बदतमीजी की इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।